मैं आपको बताता हूँ कि मुफ्ती यार खान नईमी अपनी किताब तफसीर नईमी जिल्द नंबर 16 पेज नंबर 110 पर लिखते हैं कि और ये मसला भी याद रखना जरूरी है कि नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी सिर्फ नमाज में पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा पढ़ना गुनाह और नाजायज है। अब मुझे बताएं सामईन इकराम, जो दुरूद के पढ़ने का इंकार कर रहा हो, जो दुरूद के पढ़ने को गुनाह बता रहा हो, जो दुरूद के पढ़ने को हराम और नाजायज कह रहा हो, क्या उसका अकीदा सही हो सकता है? इस वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सुन्नी बरेलवी दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना नमाज के अलावा गुनाह समझते हैं। पहले इस बंदे के अपने घर का बयान सुनिए। शोर भी अजीब टाइप का शोर होता है, देखने में मालूम होता है कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वो अंदर से इंतहाई गलीज काम है, गलीज काम है। ये जो मस्जिदों में दरूद और सलाम चीख चीख कर माइक लगाकर शोर हंगामा करके लोग पढ़ते हैं, देखने में मालूम होता है कि वो ये तो दरूद पाक है, हालांकि वो पाक नहीं है नापाक है, हालांकि वो पाक नहीं है नापाक है। यह है देवबंद के मुनाजिर ताहिर गयावी, और दुरूद पाक के बारे में इन्होंने क्या कहा वो आपने बखूबी सुन लिया। पूरी दुनिया जानती है कि सुन्नी बरेलवी कितनी कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं और कितनी कसरत से दुरूद सलाम पढ़ते हैं, नाते पढ़ते हैं, मिलाद की महफिलें सजाते हैं। दुनिया में उनके मुकाबले में दुरूद सलाम और कोई नहीं पढ़ता जितना बरेलवी पढ़ते हैं, लिहाजा इसको अपने घर की तो खबर नहीं है और ये दूसरों पर उंगली उठा रहा है कि दुरूद पाक को गुनाह समझ लिया। रहा इसके हवाले का, तो इसका झूठ और मकर फरेब का पूरा ऑपरेशन आप इस वीडियो में देखिए। YouTube पे सर्च करिए सिकंदर वारसी अबाउट तफसीर नईमी, और इस बंदे के इस सवाल का जवाब पूरा ऑपरेशन आपको YouTube पे मिल जाएगा मसाइले शरीयत चैनल पर।